बात करते हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रयागराज दौरे की। प्रयागराज दौरे पर पहुंचे अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि कुंभ महाकुंभ मेले के लिए पहचान रखने शहर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, ऐसे में यहां प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर ग्रोथ है। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि विरासत ही विकास है, इसलिए विरासत के विकास को जोड़कर ही कायाकल्प किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने रेलवे स्टेशन की साफ सफाई और यात्री सुविधाओं को लेकर खुशी जाहिर की। उन्होंने कोरोना काल में वरिष्ठ नागरिकों के लिए बंद किए गए कंसेशन को दोबारा शुरू करने के सवाल पर कहा है कि रेलवे दौर से गुजर रहा है, उसे भी देखना जरूरी है। रेलवे में 18 लाख हैं और 12 लाख कर्मचारी हैं जिन पर बड़ा खर्च होता है, और ऐसे में हर फैसला सोच समझकर ही करना होता है। आपको बताते चलें कि अपने प्रयागराज दौरे के बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक भी की और उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं विरासत भी विकास भी, तो विरासत और विकास को जोड़ के सब काम होगा। सर एक जानना चाहेंगे कि किस तरह से कोरोना काल में जो देखिए आज भी का टिकट 1% यानी समझिए आधा आधा सब्सिडी, रेलवे का टिकट आधा सब्सिडी पे है, यानी अगर 100 रुपए लगना चाहिए उसकी जगह 50 रुपए है। तो आप ये भी देखिए कि किस तरह की परिस्थितियों से रेलवे को आगे बढ़ना है। रेलवे में 18 पेंशनर्स हैं, 18 लाख लोगों की पेंशन, यानी 1000 करोड़ तो रेलवे का पेंशन का खर्चा है। रेलवे के 12 लाख एम्प्लॉयज हैं, उनकी सैलरी का खर्चा है, हर साल स्टेशन हो, हर तरह की यात्रियों को बढ़ाने का है। तो हमें सब चीजों को देख के सारे फैसले लेने पड़ेंगे।